ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्रे ज़िंदगी, फिक्रे ज़िंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 3 मार्च 2024 इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। आज यानी 3 मार्च को पूरे मुल्क में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत 5 साल की उम्र तक के करोड़ों बच्चों को पोलियो मुखालिफ खुराक दी जाएगी, ताकि वो पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रह सकें जो एक इंसान को जिस्मानी तौर नाखेज बनाती है। 3 मार्च को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लाखों बच्चों को पोलियो मुखालिफ दवा पिलाई जाएगी। ये एक बेहतरीन कदम है और समाज के हर तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को इसका खैर मकदम करना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसे भी नजदीकी हेल्थ सेंटर ले जाइए और पास पड़ोस में भी खबर करवाइए। जम्मू कश्मीर बैंक आपकी सलामती और तरक्की का ख्वाहां है, और जिस तरह पोलियो के टीके हमारी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर बैंक आवाम को इक्तसादी और माशी तौर सेहतमंद, खुशहाल और मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म है। हम तमाम उन अफराद को जो मेहनत, मशक्कत और तरक्की के ख्वाहां हैं, को मालियाती तौर खुद मुख्तार और खुद कफील बनाने के लिए कमर बस्ता हैं। आप बेरोजगार हैं, कारोबारी हैं, मुलाजिम हैं या आला तालीम के ख्वाहां हैं, हमारे पास आपकी हर माली ज़रूरत के लिए लोन प्रोडक्ट्स मुहैया हैं। आप और आपकी तरक्की के बीच पैसा किसी तरह से दीवार की तरह हायल ना हो, हमने तमाम राहें हमवार बनाई हैं। हमारी लोन स्कीम्स इतनी आसान और किफ़ायती हैं कि माने आप अपने ही बड़े भाई से थोड़े वक्फे के लिए उधारी ले रहे हैं। 3 मार्च को पोलियो की खुराक तमाम हेल्थ सेंटर्स पर फराहम की जाएगी, और जो छूट गए हों उनके लिए महकमे सेहत के अहलकार घर घर जाकर इस अमल को जिस तरह पूरा करेंगे, हमारे घर घर KCC अभियान का लाहे अमल भी कुछ ऐसा ही है। हमने गाँव गाँव बल्कि घर घर जाकर ज़मींदार दोस्तों को KCC फराहम किए, ताकि खुद कफालत का हमारा मिशन पाए तकमील को पहुँच सके। हम समाज और समाज से जुड़े हर फर्द को मालियाती तौर खुद मुख्तार और सक्षम बनाने के लिए अपने पूरे वर्कफोर्स के साथ खिदमत के आला जज्बे के साथ मैदान अमल में तगदव कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप हमारी इन कोशिशों को कामयाब बनाने में अपना अमली किरदार निभाएं। अगर आपकी कोई माली ज़रूरत है या आपके किसी ख्वाब की तकमील के लिए रुकुमात दरकार हैं, तो बेझिझक हमसे राबता करें। और अगर आपके रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों और जानकारों में से कोई पैसे के लिए परेशान है, तो उसे बैंक का रास्ता दिखाइए, ताकि हम उसकी परेशानियों और ज़रूरतों को पूरा करने के रास्ते तलाश कर सकें। सामईन कहते हैं कि मेहनत, खुलूस नीयत और कोशिश करने वालों को कामयाबी सामने से आकर गले मिलाती और उनके कदम चूमती है। जेके बैंक ने MSME सेक्टर की तरक्की के हवाले से काफ़ी इकदाम उठाए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फ़रोग मिले और जॉब सीकर्स जॉब प्रोवाइडर्स बनकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। बैंक ने हजारों नौजवानों का हाथ थामा और उन्हें कामयाब एंटरप्रेन्योर्स बनाने में अपना किरदार अहसन तरीके से अदा किया, जिसके एवज हालिया दिनों बैंक को साल 2023 का MSME बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड अता किया गया और प्राइवेट बैंक कैटेगरी में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अमलावरी में कौमी सतह पर सेकंड बेस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। MD और CEO बलदेव प्रकाश ने ये अवार्ड जस्टिस दीपक वर्मा से, प्रेसिडेंट CIMSME मुकेश मोहन गुप्ता और बैंक के जनरल मैनेजर क्रेडिट आशुतोष सरीन की मौजूदगी में रिसीव किया। MD व CEO ने दोनों अवार्ड जेके बैंक के उन हजारों मुलाजमीन को समर्पित किए, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों के फलस्वरूप इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी हासिलशुदा आदाद और शुमार हमारी कामयाबी को खुद बयान करते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोशिशों को इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यकीन दिलाया कि MSME सहित सभी दूसरे सेक्टर्स को हमारा सपोर्ट बदस्तूर जारी रहेगा।
दोस्तों, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को J&K की इकोनॉमी में कलीदी हैसियत हासिल है और इन शोबों के लिए जेके बैंक एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। 2017 में बैंक की जानिब से शुरू की गई हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम की कामयाब अमल आवरी के बाद अब जेके बैंक ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम राज आज के रेडियो डायरी प्रोग्राम में जानते हैं इस स्कीम की खास बातें DGM क्रेडिट निशिकांत शर्मा जी से। निशिकांत जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये नई स्कीम क्या है और इसमें एप्पल के अलावा कौन कौन से फ्रूट्स शामिल किए गए हैं। जैसा आपने बताया कि जेके बैंक ने एप्पल हाई डेंसिटी स्कीम लॉन्च की थी और उसकी अपार सफलता के बाद हमने और लोगों की भी दिली ख्वाहिश थी हम इस स्कीम को आगे बढ़ाएं, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इसका दायरा हमने 12 फ्रूट्स तक हम इसको ले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो मेजर हमने सारी जो हमारी स्टेट की प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन है, वो सबको हमने कवर किया है, जिसमें सेब के साथ साथ हमने इसमें अखरोट, बादाम, आम, लीची, खुबानी, जैतून, नाशपाती, चेरी, कीवी, गुआवा और ड्रैगन फ्रूट को इंक्लूड किया है। निशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए जो प्री कंडीशंस बैंक ने रखी हैं वो क्या क्या है। इसमें जिस आदमी के पास 1 कनाल से 40 कनाल तक लैंड है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है और कोई इसमें कोई प्री कंडीशन ज्यादा नहीं है। जो भी फार्मर है जिसके पास लैंड होल्डिंग है वो बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते। अच्छा निशिकांत जी, इस स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा एक फार्मर को, कितना दे रहे हैं आप इस स्कीम के अंदर? लोन कंपोनेंट होगा वो डिपेंड करेगा आपने कौन से फ्रूट लगाने हैं, कौन से ट्रीज लगाने हैं। इसमें सब्सिडी 50% है और जो बैलेंस 50% बचता है उसमें 40% बैंक फाइनेंस करेगा और 10% फार्मर की कंट्रीब्यूशन होगी। और जो फार्मर्स लोन नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना पूरा 50% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब भी उनको 50% सब्सिडी मिलेगी। 50% सब्सिडी सभी फ्रूट्स में अवेलेबल है। और सब्सिडी की रिलीज का क्या तरीका रहेगा? सब्सिडी को भी रिलीज करने के लिए हमने काफी रिलैक्स कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही इंस्पेक्शन होगी, जॉइंट इंस्पेक्शन होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक की तरफ से, और पहली इंस्पेक्शन के बाद 80% रिलीज हो जाता है सब्सिडी का। जी, और मैं ये आपको बता दूं, फर्स्ट इंस्पेक्शन तब होती है जब प्लांट्स में स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं और तब 80% रिलीज हो जाती है, और 20% जब उसमें फ्रूट बियर होता है तो ये चेक किया जाता है कि ये वही फ्रूट है जिसको उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी के लिए हमने लोन दिया था, तो उसके बाद बैलेंस 20% भी रिलीज कर दिया जाता है। और ये रिपेमेंट का क्या तरीका रहेगा और क्या कोई मॉरेटोरियम भी मिलता है इसमें? इसकी रिपेमेंट पीरियड हमने 5 साल रखा है, मॉरेटोरियम पीरियड हमने इसमें 2 से 3 साल तक रखा है और डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ लोन पे डिपेंड करेगा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम में जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो क्या हैं और आम लोगों के लिए इस स्कीम के हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? गवर्नमेंट ने इस स्कीम को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 5500 हेक्टेयर का टारगेट रखा है, तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी जिसके पास भी लैंड आइडल पड़ी है या वो हाई डेंसिटी में नहीं है तो अपनी उपज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम इसी से बढ़ेगी। रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामईन, जम्मू कश्मीर बैंक में 35 साल पर मुहित अपने शानदार सफर को एहसन तरीके से पूरा करने के बाद जनरल मैनेजर सईद शफात हुसैन रुफाई 29 फरवरी को नौकरी से सुबकदोश हो गए। जम्मू कश्मीर बैंक की आला कयादत बशमूल MD व CEO बलदीप प्रकाश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर्स और दीगर आला अफसरान ने उनके एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। MD व CEO बलदेव प्रकाश ने सईद शफात हुसैन को एक परफॉर्मर करार दिया और उनकी गरां कदर खदमात और लीडरशिप क्वालिटीज को खराज तहसीन अदा किया। शफात हुसैन रुफाई ने MD व CEO समेत तमाम मैनेजमेंट, कोलीग्स और सबॉर्डिनेट्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस लंबे अरसे उनका भरपूर साथ निभाया। वाजह रहे कि सईद शफात हुसैन रुफाई 1999 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर थे जिन्होंने बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए जेके बैंक फैमिली की तरफ से उन्हें ढेरों नेक ख्वाहिशात। 1938 से J&K बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तान, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज मेरी कहानी मेरी जुबानी में सुने कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेसफुल स्टोरीज। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज सुनिए एसोसिएट कोरियर कार्गो एंड कोल लोडर्स के आबिद अली और अख्तर अली की कहानी। मैं आबिद अली, मैनेजिंग डायरेक्टर एसोसिएट कोरियर कार्गो एंड कोल लोडर्स की कंपनी। हम दो भाइयों ने, आबिद साहब और मैं, मेरा नाम अख्तर अली है। हमारा जो ये वेंचर था ये आज से 22 साल पहले स्टार्ट किया हमने।
अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी माँ की दुआओं के साथ और फिर जेके बैंक के ताउन के साथ आज जो हमने 22 साल का एक मरहला तय किया है। छोटा सा एक कमरा लिया था हमने मायसुमा में ही, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, साथ ही में एक छोटी सी दुकान थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आज के डेट में जो एसोसिएट कुरियर कार्गो कोल ऑर्डर्स है, हमारे जो फुटप्रिंट है जम्मू कश्मीर लद्दाख करते हैं हम, साथ में हमने पंजाब भी टच किया है, प्लस दिल्ली में भी हमारे सेल्फ ऑफिस है, हमारे बॉम्बे में भी ऑफिस है। इसमें बहुत एक बड़ा किरदार है जहाँ पर जे एंड के बैंक ने हमें सपोर्ट किया। इनिशियली जब हमने काम किया तो फिर एक्सपेंशन की जरूरत थी। 25,000 से सीसी हमने स्टार्ट किया था, मगर अल्लाह के फजल करम से वो 25,000 आज करोड़ों में हो गए। मैं जेके बैंक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फवक्तन उन्होंने हमें हर किसी तरफ से माली मदद की है, चाहे हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी। इसका हिस्सा बन सकते हैं, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और मेरी कहानी @jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुनेगा सारा जहां आपकी कामयाबी की अनोखी दास्तान। J&K बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत हिंद ने गरीब और पसमानदा तबकों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तश्कील दी है। आज के इस प्रोग्राम में हम अटल पेंशन योजना नामी स्कीम के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। अटल पेंशन योजना या APY 9 मई 2015 को शुरू की गई थी ताकि तमाम मुल्क, खासतौर पर गरीबों, कम मुराद याफ्ता तबके और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक आलमी समाजी तहफ़ुज़ का निज़ाम बनाया जा सके। APY पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम है। APY 18 से 40 साल की उम्र के तमाम बैंक खातेदारों के लिए खुला है और पेंशन की रकम की बुनियाद पर मंथली कंट्रीब्यूशंस मुख्तलिफ होती है। सब्सक्राइबर्स को गारंटीड मंथली पेंशन इनके मंथली कंट्रीब्यूशंस के इवज 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक मिलेगी। माहाना पेंशन सब्सक्राइबर के लिए दस्तियाब होगी और उसके बाद उसके स्पाउस को और उसकी मौत के बाद सब्सक्राइबर की 60 साल की उम्र में जमा शुदा पेंशन इसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सब्सक्राइबर्स APY में माहाना, सहमाई या शशमाई बुनियादों पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से हम अपने सामीन से गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 और 40 साल के दरमियान है, आप अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच से राबता कायम करें। एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुंचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। हमारे सभी मुअज्जज ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक मुल्क भर में किस हवाले से अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। इसका सही जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही थे। और कुरानदाजी के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 खुशनसीब हैं। कश्मीर डिवीजन से वतलार गांदरबल के रईस अहमद मीर, जम्मू डिवीजन से डोडा के राहुल सिंह और लद्दाख से लेह की कुंजंग डोलमा। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। और इनामी सवाल से कबल हमारी वही गुजारिश की जब आप मेल पे अपना जवाब हमें इरसाल करें, अपना नाम, पता और अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको बताना होगा कि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुसलसल रकूमात हासिल करने के लिए किस डॉक्यूमेंट का अकाउंट से लिंक कराना लाजमी है। आपके ऑप्शंस हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड या पैन कार्ड। आपके जवाबात हमें 9 मार्च 2024 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800 890 2122।
मेरे दिमाग में एक कमाल का बिजनेस आइडिया आया है, सोच रहा हूँ किससे मशवरा करूँ। अपने नजदीकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ब्रांच से वहाँ दिल खोल के अपने छोटे बड़े बिजनेस प्लान को डिस्कस करो। सही राह के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस तुम्हें जम्मू कश्मीर बैंक ही देगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जे एंड के बैंक।